चलो तुम्हारा हाल चाल ही पूछ लेता हूं। हाँ बोलो। मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरी दुल्हन ने अपने लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर लिया है? नहीं, अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं की। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी ड्रीम ड्रेस ना मिले तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी दूसरी जगह से इंतजाम कर दूंगा। और अगर तुम्हें वहाँ भी ना मिले तो मुझे बता देना, मैं कहीं और से कर दूंगा। पर तुम्हें जो ड्रेस चाहिए वही मिलनी चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, ये शॉप के बारे में नहीं, यहाँ तो काफी सारे सुंदर ड्रेसेस है, काफी अच्छी शॉप है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें कोई और चीज परेशान कर रही है? Well, बात यह है कि मुझे चिंता हो रही है शादी को लेकर। इतनी सारी महंगी चीजें और इतनी भीड़, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर बैठूं। काश तुम यहाँ मेरे साथ होते, मेरे पास। तुम्हारे साथ हर चीज आसान होती है। हम लोग हाथ में हाथ डाल के पूरी रात एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी कहीं अकेला नहीं छोड़ने वाला हूं। इसके अलावा उस सारी भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान को देखूंगा और वो होगी तुम। मुझे परवाह नहीं कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, समझी? रेहान, यहां आओ तो। ठीक है, अब मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। लड़की के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? हे ऊपर वाले, मुझे पेशेंस दे। मुझे डरा ही दिया। तुम इतनी एक्साइटेड होकर क्या देख रही हो? फायरफ्लाई। एक फायरफ्लाई? पर मैंने उसे खो दिया। कितना समय हो गया आखिरी बार उसे देखे हुए। मुझे लगता है जैसे मैं एक कहानी हूं और उस कहानी की मैं हीरो थी जब मैं बच्ची थी और हमेशा फायरफ्लाई को देखा करती थी। हंसो मत। मैं हंस नहीं रहा हूं, इनफैक्ट मैं तुम्हारी बातें एकदम ध्यान से सुन रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि फायरफ्लाई के पास एक ताकत होती है जो हमें सच्चाई से दूर कर देती है और दुनिया से भी। अब क्यों ये मुझे मत पूछना, मुझे नहीं पता। शायद इसीलिए, क्योंकि वो एक पल दिखते हैं और गायब भी हो जाते हैं। सबसे छोटे होते हैं पर उनकी चमक कितनी गहरी, एकदम छोटे बच्चों जैसे, मासूम। इंटरेस्टिंग है ना? ना कि जब मैं सिर्फ बच्ची थी, बल्कि आज भी जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे वैसा ही महसूस होता है, मासूमी। हर कोई हर चीज जिससे तुम प्यार करती हो वो कितनी लकी है।
यहाँ तक कि फायरफ्लाइज भी। वो कहाँ चली गई होगी? शायद यही कही होगी।